सभी भाभी के साथ तुम्हारी आउटगोइंग बंद है। सैड। अगर आपसे ये कनेक्शन बिठाया नहीं जा रहा ना, तो हमसे कहो, हम कम से कम अपना हॉटस्पॉट कनेक्शन तो रखें। मेरा मतलब है, हम मदद कर सकते हैं सभी भाभी को संभालने में। आपकी मौजूदगी में ये कैसे बिहेव कर रहा है, तो सोचिए अकेले में कैसे बिहेव करता होगा। हाँ, ये बहुत गंदे है, इन्हें प्लीज अरेस्ट कर लीजिए, मुझे इनसे डर लगता है। दूर रहिए, मेरे पास मत आना। मिस्टर ठक्कर, आप हॉस्पिटल में हैं, खुद पर काबू रखिए, ले लीजिए अपना फोन और चलिए। चलिए आप लोग वेटिंग रूम में चलिए। क्या था इसलिए तू आज बच गया, वरना इस हॉस्पिटल से सीधा शमशान पहुंचता। अगली बार सभी का नाम लेने से पहले हजार बार सोचना, जान से मार दूंगा तुझे। पर जिगर तो इतना बेशरम बन गया है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता अब किसी भी बात की। अर्श गुजराल का हाथ जो है उस पर, लेके जाओ। मत तमीज, कुछ नहीं होगा बेटा। कैसी आशिका भी? मामा आप ठीक तो है ना? पहले से बेहतर है, अच्छा हुआ उन्हें टाइम पर ले आया गया। खतरे से बाहर है लेकिन अभी बहुत वीक है, 2-3 घंटे थोड़ा ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। मैं मम्मा से मिल तो सकता हूँ? बिल्कुल। और अब कियान जाता है आशिका से मिलने, जो पूरी तरह डरा हुआ है कि अचानक ये सब क्या हो गया उसकी मम्मी के साथ। मम्मा, मम्मा। लेकिन आपने ऐसा किया है क्यों? I'm sorry बेटा, पता नहीं मैं पागल हो गई थी, पर आप मत रो, अब मामा बिल्कुल ठीक है। बेटा कियान, अभी आप बाहर बैठो, हमें आपकी मम्मा से कुछ बात करनी है। प्लीज आराम से, आप पहले कंफर्टेबल हो जाइए। कैसी है तबीयत आपकी? बेटर है। अभी आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या आप हमें बता सकती है कि आखिर क्या वजह थी इतना बड़ा कदम उठाने की? और अब आशिका से वो सवाल पूछा गया है जिसे सुनकर एक बार फिर आशिका वो पल को याद करती है। जो काम तुम जिंदगी में कभी पूरा कर नहीं सकती थी, उसने वो काम किया। पता है कौन है वो? वो है मेरी वाइफ सभी रजत ठक्कर। डॉक्टर साहब, क्या स्टेटमेंट दिया आशिका ने? कौन जिम्मेदार था? और अब सभी रुके हैं सुनने के लिए कि आशिका आखिर क्या बोलेगी, क्या बयान देगी पुलिस को कि इतना बड़ा कदम के पीछे आखिर किसका हाथ था। उनकी इस हालत की जिम्मेदार वो खुद है। उन्होंने गलती से कुछ एक्स्ट्रा पिल्स ले ली थी, इसके लिए वो किसी को जिम्मेदार नहीं मानती। वो आपसे मिलना चाहती है, आपसे नहीं, मिस्टर ठक्कर आपसे। और जहां अर्श के अंदर गुस्सा भरा पड़ा है अभी कि आखिर आशिका रजत का नाम क्यों नहीं दी, खेल ही खत्म हो जाता वहीं। अब कैसी हो? सवाल मत पूछो, थैंक यू बोलो। थैंक यू बोलो इसलिए? तुम्हें जेल जाने से बचाया मैंने इसलिए। अगर मैं तुम्हारे खिलाफ बयान दे देती तो
बहुत लंबे टाइम तक अंदर चले जाते थे। तुम्हें क्या लगा कि मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगी? जो भी कहना है साफ साफ को। साफ साफ ही तो कह रही हूँ, ये एक वार्निंग थी, एक आखिरी वार्निंग कि अगर तुमने दोबारा मेरी इंसल्ट की तो इस बार तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अगली बार पता नहीं मेरा मूड कैसा, इसीलिए सोच समझ के रिएक्ट करना, स्पेशली जब बात मेरी हो। दिमाग से थोड़ी पैदल हो गया, तुमने ये सब नाटक किया किसके? मैंने तुम्हारी इंसल्ट की थी इसलिए। पर अब रजत को भी समझ आ गया है कि आशका बहुत कुछ कर सकती है। मैंने अपनी जिंदगी में ना बहुत घटिया लोग देखे, लेकिन तुम्हारा नंबर ना टॉप पर है। तुमने जरा भी कियान के बारे में सोचा? मेरा बच्चा बाहर बैठ के रो रहा है, डरा हुआ है, कांप रहा है। क्यों? उसको लग रहा है उसकी मम्मी को कुछ ना हो, लेकिन उसकी मम्मी नाटक कर रही है यहाँ पर। मैंने तुम्हारी इंसल्ट की तो तुम यहां पर आ गई। तुम्हारी जैसी औरत के साथ मैंने रिश्ता निभाया है, डरने वाला तो मैं बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी हरकत से मैं डर जाऊंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुमने मेरा दिल तोड़ा, मेरा हौसला बरकरार था, मेरी हिम्मत नहीं टूटी थी। बताए क्यों? क्योंकि मेरे अंदर बहुत सब्र है, सब्र है उन हर चीजों को झेलने का जो तकलीफ देती है। देखो आशका, अगर तुम मेरे सामने आती रहोगी ना, तुम्हारी बेइज्जती होती रहेगी, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही वैसी हैं। और अब उल्टे मुंह रजत ही आशका को एक सुझाव दे बैठता है। तुम अगर मुझसे उलझोगी तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, तुम्हें पता है बात। और आखिरी बार मैं तुम्हें समझा रहा हूं, अगर अगली बार तुमने ऐसी कोई हरकत की तो हॉस्पिटल में झूठ मूठ के लिए एडमिट नहीं होना पड़ेगा, अच्छे से एडमिट होना पड़ेगा, और डॉक्टर भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। ये धमकी नहीं है, वार्निंग है मेरी, याद रखना। और अब आशका बस देखते ही रह जाती है रजत को। उसका गुरूर अब भी बरकरार है और वजह हो ना हो सवी है। उसके जीवन में जो आई है वो हर वक्त उसे महफूज जो रखती है। तो अब आगे भी देखते रहिए कैसे इस मजबूत रिश्ते को तोड़ने में लगे हैं कई लोग। पर क्या रजत और सवी स्वयं समझ रहे हैं कि उनका रिश्ता कितना अहम है कि लोगों की आंखों में खटकने ही लगा है? ये देखने के लिए बने रहिए गुम है किसी के प्यार में की अपडेट्स में। आगे क्या होता है यहीं कंप्लीट बॉलीवुड की अपडेट्स में।